आलू लाल गाइस युद्ध युद्ध हो चुका था और इस ये खाली आलू ही खाता है, साथ में गाइस आलू के साथ साथ डाट भी खाता है। तुमसे डिमांड कर रहे मिठाई मेरा का। पेपर गया भैया। सो हेलो भाई, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेयर स्ट्रेटनिंग ब्लॉग में। दसों भी हम लोग रेडी हो चुके हैं बैठन एमपी जाने के लिए, और हर महीने एक बार जाते हैं बैठन, काम है इसलिए जाते हैं। और गर्मी तो बहुत तेज़ पड़ रही है, देखिए बाहर दिखाते हैं धूप कितनी तेज़ है। तो अभी दोपहर का टाइम है और 2 बजने वाले हैं, अभी लोग रेडी हो रहे हैं बैठन जाने के लिए। किस लिए जा रहे हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलिए खाना खाते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं बैठन। आपको मन जाएगा वो भी दिखाते हैं। तो मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू बने रहिएगा, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो गाइज अभी पड़ रहा पीहू को डांट क्योंकि खाना नहीं खा रही स्कूल से आने के बाद, और जाने के लिए बोले जाना तो नहीं है क्योंकि बस जाना है हम लोगों को दवा के लिए, दवा लेंगे फिर आ जाएंगे तुरंत। और एक काम है दीदी का वो कराना है, उसके बाद कोई काम नहीं है। आए लोग भी जाने के लिए बोल रहे हैं दोपहर में, तो इसलिए मना किया, खाना नहीं खा रही इसलिए डांट पड़ रही है इसको, पीहू को डांट पड़ रही है। तो पंछी को मजा आ रहा था, पंछी नीचे भाग गई। तो गाइस मेरा खाना पीना हो गया है और खा रहा, देखो जुलूर भी जैसे स्कूल से आया है, ऐसे रोटी और आलू की सब्जी इतना पसंद है कि खाली आलू खाता है। गजब आदमी है यार, कोट कहाँ चला गया। इधर अम्मा का भी हो चुका है खाना पीना, और इस ये खाली आलू ही खाता है, साथ में आलू के साथ साथ डाट भी खाता रहता है। अम्मा डाट भी खाता रहता है, आलू भी दोनों चलता रहता है इसका। दाल चावल तुम खाते कहाँ हो, तुम तो डाट खाते हो आलू रोटी खाते हो। आलू का कुछ भी दे दीजिए, आलू का भुजिया, आलू का ग्रेवी वाला, आलू का कलौजी टाइप में, आलू का कोई भी डाल दीजिए, किसी सब्जी में भी आलू पड़ा हो तो सब्जी को साइड करेगा, आलू निकालेगा, सिर्फ आलू खाएगा ये लड़का। आलू लाल, आलू लाल गजब बेइज्जती है। गोभी नहीं खाते हो, झूठ बोल रहे हो, तो सोयाबीन नहीं खाते हो, गोभी भी खाता हूँ, नहीं खाते हो, मटर भी खाता हूँ। देखिए ये भी अब चुलबुल को, चुलबुल को सुना रहे एक तरफ से, शान के दे दे, वो देंगे ना, वो सब खाते हैं। शान के दे दे। बड़ी मम्मी कहाँ गई, बड़ी मम्मी की आदत बिगाड़ी है इसका। नहीं तो ये कौन है ना, अभी दिखाते हैं बड़े मम्मी को, पूछते हैं कौन। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बैठने के लिए, हम हैं इधर राधा इधर दीदी, तो तीनों लोग जा रहे हैं। चलिए पहुंचते हैं और दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं, पहुँच के मिलते हैं आपसे। आईसीयू जा रहे हैं, पीओ बोलते हैं, और पीओ रहते बोलते हैं आईसीयू जा रहे हैं, हॉस्पिटल को डिस्पेंसरी जा रहे हैं, सॉरी हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग, बता देते हैं आपको हॉस्पिटल इनके दवा के लिए। तो चलिए पहुंचते हैं मैडम, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। पे स्वास्थ्य मेडिकल के पास, चलिए डॉक्टर को दिखाते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं हम लोग। मिलो 2 hours later। सो गाइस फाइनली काम हो गया, दवा ले लिए, डॉक्टर से मिल लिए हैं और हम चल रहे हैं अब। दीदी काम बचा, बस दीदी काम कराते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। तो यही है डिस्पेंसरी जहाँ पे हम लोग आए हुए थे, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। तो गाइस आज महावीर जयंती है और इसके उपलक्ष्य में देखिए शक्तिनगर में झांकी वगैरह भी निकला हुआ है रास्ते में ही। गर्मी में झांकी निकालना बहुत बड़ी बात है, गर्मी इतनी तेज है पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में झांकी निकालना बहुत ही बड़ी बात है।
few hours later. तो गाइस मैं बता दूं आपको, घर पे आने के बाद हम लोग मालूम चला कि पंछी और पीहू में लड़ाई हो चुकी थी, युद्ध हो चुका था। गाइस ये हर दिन शादी में जाता है, नया नया ड्रेस कलेक्शन निकाल कर पहनता रहेगा, अपने आप को दिखाएगा। बाल कलर का है, डाई बनाया टिकट थी। आप लोगों को कौन देखता है सदियों में इतना सज के जा रहे हैं? क्या हम लोग देखना नहीं है? हम लोग कोई नहीं देखता है, तो बोले क्या कपड़ा पहनी है, बोले वापस सोना मौसी साड़ी दे दो। दोस्तों भाई शादी वगैरह फंक्शन में ऐसे जाए नॉर्मल करके गए थे आपने, तो ऐसे आज ना आज शादी में नहीं गए थे गाइस। देखिए क्योंकि चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा शादी सीन चल रहा है, पर डे बैक टू बैक दो तीन शादियां चल रही है, कहीं कहीं आज तो नहीं गए थे। आज हम गए थे हनुमान जयंती के भंडारे में, वहाँ से प्रसाद वगैरह खा के आ रहे हैं, तो वहाँ से अभी जस्ट आ रहे हैं दुकान बैठने से। तुम लोग आ गए थे शाम को ही 4:30 लगभग, 5 तो रात में आए सो गए। हम नहीं गए थे, हम आईसीयू ये गई थी। आज पता है मम्मी फोन करके बोलती है कि वो पीहू बोली आईसीयू जाना था, तब बोले हॉस्पिटल, तब लगा हॉस्पिटल जाना है। तुम पंछी हो, तुमसे मिलने आई होगी भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी है यार, वो भी उड़ती है, ये भी उड़ती है, पंछी को आइए खाने, पंछी बदमाशी कर रही है ना, मधुमक्खी इसको बट गाइस मधुमक्खी इसको खा जाती है, चिड़िया सब खाती है, मधुमक्खी इसको खा जाती है। आज तुम लोग फाइट किस लिए हुआ बताओ, पहले युद्ध किस लिए हुआ? इस कलर के लिए, इसने किया, मैंने पहले खोला, फिर चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? चालू होगा तो दोस्तों अभी अब हम लोग चले सोने के लिए, क्योंकि रात के बज चुके हैं 11:30 और इन लोगों को कल सुबह स्कूल भी जाना है। मेरे चक्कर में क्या, आज तो जल्दी आ गए घर पे, शादी में भी नहीं गए, दो दिन से जो मेरी नींद नहीं पूरी हो रही उसका क्या, उसका क्या, हम तो क्या कर सकते हैं अब, ब्रिजेश की शादी छोड़ नहीं सकते थे, ब्रिजेश की शादी थी यार, ब्रिजेश की शादी बहुत अच्छा से हुआ, ठंडा ठंडा में पता है हवा चला, तो यही मना रहे थे बारिश वारिश ना होनी तो खराब हो जाएगा सब कुछ, नहीं पूरी रात ब्रिजेश शादी थी, तो भाई ब्रिजेश कोई बधाई तो दिया नहीं अभी तक, मिठाई लेके आएगा तब बताएगा। सुन लो ब्लॉग अगर देख रहे हो तो देख लेना, सब तुमसे डिमांड कर रहे हैं मिठाई का, तीखा का लेके आएगा, मिर्चा इसमें मिर्चा लेते 250 ग्राम दीदी को क्या चाहिए, लेकिन विजय शादी में मजा आया, ऐसा नहीं मजा नहीं, मजा आया विजय शादी में। तो चलिए दोस्तों, और कल आनवी भी आ जाएगी, सोनपरी मेरी ज्योति और हनी भी आ जाएगी, यीशु हनी आ जाएगी, तो ब्लॉग मिलेंगे, उसका एग्जाम वगैरह फ्री हो गई है एग्जाम देखिए। तो दोस्तों ब्लॉग को करते हैं पेंट, और उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा जिससे व्यूज बढ़े, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।